हेलो गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार सिन्हा, वेलकम बैक टू माई चैनल। टूडे आई विल डिस्कस इंटरमीडिएट गुड्स, इट्स मीनिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग प्रोसेस विथ एग्जाम्पल्स। दिस वेरी वीडियो इज फिफ्थ इन सीरीज। द अर्लियर फोर वीडियोज ऑन नॉर्मल रेसिडेंट्स, डोमेस्टिक टेरिटरी, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम एंड फाइनल गुड्स डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन द आई बटन अबव। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट मीन्स इन बिटवीन, गुड्स मीन्स दोज कमोडिटीज विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कोई भी सामान जो किसी भी व्यक्ति की जरूरत को पूरा करता है उसे गुड्स कहते हैं। इन बिटवीन का मतलब दोज गुड्स that lie in between the process of production and consumption. मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि these goods lie within the boundary line of production. That is, still it is in the production process and the good is not yet complete for the final use by the users. मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी production process है वो अभी पूरा नहीं हुआ है और further processing या ट्रांसफॉर्मेशन वैसे गुड्स का एक नए प्रोडक्ट में बाकी है। मतलब इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी हमारा क्या है कि उस गुड्स में अभी वैल्यू का एडिशंस बाकी है एंड गुड्स आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। मतलब इस गुड्स को हम फिनिश गुड नहीं कह सकते। लेट अस टेक एन एग्जांपल, दैट इज अ कार इज इन द शोरूम एंड दिस कार इज फॉर सेल, मतलब इट इज रेडी फॉर सेल, बट दिस कार इज परचेज बाय द डीलर। डीलर ने इसे परचेज किया है नॉट फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। डीलर ने इसे परचेज किया क्या, बेचने के लिए। मिस कार इज बीन परचेज बाय द डीलर एंड लेट द अमाउंट पेड बाय द डीलर दैट इज 5 लाख रुपीज। उसने 5 लाख का पेमेंट किया कार, मतलब कार उसने खरीदा कंपनी से 5 लाख रुपए में और बेच दिया किसी एक परचेजर को या कस्टमर को फॉर रुपीज 5,50,000। मतलब इन बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस, दैट इज रुपीज 50,000 एंड दिस 50,000 इज द वैल्यू एडेड टू द प्रोडक्ट ड्यूरिंग सेल। मतलब व्हेन इट इज एक्चुअली सोल्ड टू द फाइनल परचेजर देन देयर इज एन एडिशन ऑफ वैल्यू वर्थ रुपीज 50,000, मींस 50,000 उस कार की कीमत में एड हो गया। दैट इज देयर इज एन एडिशन ऑफ वैल्यू वर्थ रुपीज 50,000 टू द कार When it is finally sold to the final user, मतलब जब डीलर ने फाइनल कस्टमर को वो कार बेच दी तो उस कार में 50,000 रुपया और एड हो गया, that there is a value addition। इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक कार बिका नहीं था, मतलब बिफोर द सेल ऑफ द कार टू द फाइनल यूजर, द कार इज सेट टू लाई विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड therefore इट इज termed as an intermediate गुड। मतलब जो कार जो शोरूम में है वो एक इंटरमीडिएट गुड है। व्हाट इज द पर्पस, दैट इज रीसेल, में डीलर ने उसको परचेज किया कंपनी से किसके लिए, बेचने, दोबारा बेचने के लिए। देयरफॉर कार इन द शोरूम दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, परचेज ऑफ फ्लोर, ऑयल, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा बाय द बिस्किट मैन्युफैक्चरर। एक बिस्किट का प्रोड्यूसर है, वो ये परचेज करता है मैदा, तेल, चीनी, नमक। ऑल दीज गुड्स आर यूज बाई द मैन्युफैक्चरर एज रॉ मेटेरियल्स फॉर मेकिंग बिस्किट्स। ये जो भी सामान उसने परचेज किया नॉट फॉर कंजम्पशन बट फॉर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन टू अ न्यू प्रोडक्ट, दैट इज इट इज यूज एज ए रॉ मेटेरियल एंड लेट द अमाउंट पेड बाई द बिस्किट मैन्युफैक्चरर बी 1 लाख रुपीज फॉर ऑल दोज गुड्स। एंड वेन दीज गुड्स वेर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ बिस्किट, जब भी इसको यूज किया रॉ मटेरियल के तौर पर तो उसने एक नया चीज कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको एक बिस्किट में, और लेट द मार्केट वैल्यू ऑफ दोज बिस्किट्स लेट इट बी इक्वल टू 1,20,000। मींस व्हाट इज द दिस डिफरेंस इज द वैल्यू एडेड दैट इज वर्थ रुपीज 20,000। 1,20,000 मार्केट वैल्यू, 1,00,000 हमारा परचेजिंग वैल्यू, दोनों का डिफरेंस 20,000। मतलब ये वैल्यू एड हो गया। मींस ऑल दोज गुड्स used up during production of biscuits, they are simply called as intermediate goods।
तो फॉर व्हाट पर्पस दीज गुड्स वेयर परचेज्ड बाय द मेस्किट मैन्युफैक्चरर देव एज अ रॉ मटेरियल्स देयरफॉर वी कैन से दैट इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड फॉर टू पर्पस फर्स्ट इज रीसेल एंड अनदर वन इज एज रॉ मटेरियल्स मीन दोज गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल और टू बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इफ दे आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स then there is complete transformation into a new product but if it is used for resale it does not undergo any transformation into a new product means these are used as it is if it is used or purchased for resale but if they are used as raw materials then usme pura ka pura badlav aa jata hai ek naya cheez ban jata hai now on the basis of the purpose of use हाउ कैन वी डिफाइन इंटरमीडिएट गुड्स अब इंटरमीडिएट गुड्स को हम इसके पर्पस के बेसिस पर आधार पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो ऑल दोज गुड्स विच आर यूज एज रॉ मटेरियल्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर दैट इज द मेन पॉइंट हियर माने इफ इट इज यूज फॉर रीसेल देन इट शुड बी सोल्ड इन द सेम ईयर इन विच ईयर इट वॉज मैन्युफैक्चर जिस साल बना उसी साल ये बिक जाना चाहिए मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड इन द सेम ईयर मतलब जिस साल वो बना उसी साल ये बिक जाना चाहिए एंड इफ दे रिमेन फॉर मोर देन वन ईयर देन दे आर टर्म्ड एज फाइनल गुड्स नॉट द इंटरमीडिएट गुड्स जो भी सामान जिसे हम एज रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं एंड इफ दे आर परचेज ड्यूरिंग द सेम ईयर यूज्ड इन द सेम ईयर देन ओनली दे आर टर्म्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स Now what does intermediate goods include? इसमें क्या क्या included है तो number one non-durable goods मतलब those goods which cannot be used for longer period of time means simple कहते हैं single use goods for example oil, electricity or raw materials used by the producers to produce any finished good. Second one goods lying with the traders for resale in the same year जो भी सामान ट्रेडर्स के पास मीन्स मर्चेंट्स जो भी है व्यापारी उसके पास पड़ा हुआ है बेचने के लिए उसी साल में उसे कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स अगर उस साल नहीं बिका देन इट इज टर्म्ड एज फाइनल गुड्स ड्यूरेबल गुड्स का मतलब दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विच आर यूज प्राइमरली फॉर मिलिट्री पर्पस बाय द गवर्नमेंट सरकार जो भी परचेज करती है मिलिट्री पर्पस के लिए दोज ड्यूरेबल गुड्स they are also called as intermediate goods even though they are finished goods kehte hain for example cars trucks aircrafts submarines armaments kola barood now these goods have derived demand ka matlab demand in goods ka depend karta hai demand for final goods agar final goods ka demand hoga then only their demand would be generated and therefore their demand is called as derived demand let us have a look एट द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नंबर वन सीविंग मशीन अगर कोई भी एक डीलर परचेज करता है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है वाई पर्पस इज रीसेल ग्रोसरी आइटम्स परचेज बाई अ ग्रोसरी शॉप ऑनर ये परचेज करता है कोई भी दुकानदार सामान बेचता है दुकान में ग्रोसरी आइटम्स तो उसका पर्पस क्या है रीसेल इंटरमीडिएट गुड्स फ्लोर ऑयल शुगर सॉल्ट एटसेट्रा परचेज बाई बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स purpose is raw materials these are also intermediate goods iron ore purchased by steel manufacturer koi bhi steel manufacturer iron ore par ka purchase karta hai convert karta hai isko steel mein ya iron mein now they are used as raw materials fertilizers seeds insecticides etc purchased by farmers during cultivation jab bhi ye seeds ya khad ya koi insecticide kharidta hai to ye kya hamara hai as raw materials electricity consumption in a production unit that is simple raw materials books purchased by a bookseller to bookseller koi bhi kitab kharidta hai bechne ke liye to ye hamara kya hai resale theek hai expenditures on the purchase of these goods jo bhi paisa hum kharch karte hain in goods ko purchase karne ke liye use intermediate consumption ya intermediate cost kehte hain the last point What is the significance of intermediate goods in national income accounting? The value of these goods is deducted during
कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम. जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू ऐड नहीं करते, घटा देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं. तो दैट इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ द टर्म दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स, इट्स सिग्निफिकेंस इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग. वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. Thank you very much for watching this video.